नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिनको ये लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में वीक है। और दूसरी बात, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये वाकई में जानना चाहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम क्यों ज़रूरी है और वो आखिर है क्या। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश, मैं रामानुजन गुरुकुल इंस्टीट्यूट का फाउंडर और डायरेक्टर और फिजिक्स फैकल्टी आपके बीच में ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके बच्चे के साथ अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से तो उसके साथ क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। दोस्तों, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है आज के टाइम में, विशेष तौर पे जब पढ़ाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है, टेंथ क्लास के बाद में जब इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में बच्चा पढ़ने जाता है तो अब उसे अपने कैरियर के लिए पढ़ना होता है। लेकिन आज के इस मौजूदा समय में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में बच्चा इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा घिर जाता है कि उसका फोकस पढ़ाई पे सही ढंग से लग नहीं पाता। उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, और जब वो पढ़ाई कर भी रहा होता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई सोशल मीडिया की घटना, कोई ना कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड उसके माइंड में चल रहा होता है। उस वजह से वो फोकस पढ़ाई पे सही ढंग से कर नहीं पाता, और यही वजह है बहुत सारे बच्चे आज के समय में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। जो कुछ बच्चे एक्सेप्शनली होशियार होते हैं या फिर वो अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर चुके हैं पढ़ाई के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन 90% बच्चे और पेरेंट्स, जैसा कि मैंने अनुभव से देखा अपने, उनको ये शिकायत रहती है कि बच्चा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मोबाइल फ़ोन के अलावा आज इतने ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन मौजूद हैं कि बच्चा केवल जो ये मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस की वजह से जो नए नए चीज़ें आती रहती है उनसे प्रभावित रहता है और पढ़ाई पे जो उसे मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए वहाँ पे दे नहीं पाता है। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के कारण बच्चा आज के समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई से दूर रह रहा है और जितना व्यवस्थित रूप से उसे पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे मैं अपने समय की बात करूँ, आज से 10-15 साल पहले की, जब मोबाइल्स इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे और टीवीज़ भी इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं थे, केवल दूरदर्शन होता था, कभी कभी वीक में एक या दो बार कोई अच्छी फिल्म आती थी तो बैठ के देखा करते थे, और उस समय हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा मौजूद नहीं थे, और जो थे या तो घर से बाहर किसी पार्क में जाके खेलने चले गए, उससे फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बॉडी फिट रहती थी, माइंड शार्प रहता था, और बाद में कुछ करने को जब नहीं होता था दोपहर वाले समय में तो पढ़ाई कर लेते थे, क्योंकि बचपना होता है, मन, जो बच्चे का मन होता है वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, तो वो छोटी छोटी बातों पे जो भी उसको प्रभावित कर रही है उस तरफ झुक जाता है। अब ये तो है समस्या, समस्या है डिस्ट्रैक्शन की। इस मौजूदा टाइम में डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि बच्चा अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। टेंथ क्लास के तक तो ये ठीक है, समझ में आता है कि कोई नहीं, वो बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, पर टेंथ क्लास के बाद में जैसे ही वो इलेवेंथ क्लास में आता है और इलेवेंथ क्लास में उसका सब्जेक्ट अगर साइंस हो, और साइंस में आप जानते हो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, अगर वो इलेवेंथ क्लास में आने के बाद साइंस लिया है उसने इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में और साइंस में कुछ अपना कैरियर बनाना चाहता है तो ही नीड टू गिव टॉप फोकस ऑन हिज स्टडीज, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना है कि पढ़ाई में फोकस दे नहीं पाता। यही कारण है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जब ये पाया कि इनका आखिर सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने ये पाया कि गुरुकुल व्यवस्था जो है वही एक समाधान है इन सब डिस्ट्रैक्शन की समस्याओं का। गुरुकुल व्यवस्था क्या है? गुरुकुल, गुरु का कुल, जहाँ पे गुरु हर समय उपलब्ध है बच्चे की परेशानी को हल करने के लिए, यही है गुरुकुल का तात्पर्य। जी हाँ दोस्तों, पूरा 24 घंटा बच्चा गुरु के सानिध्य में रहकर जब पढ़ाई करता है तो ऐसे वातावरण को, ऐसे माहौल को गुरुकुल बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामानुजन गुरुकुल एक ऐसा ही संस्थान है, एक ऐसी ही शैक्षणिक व्यवस्था है आप सभी बच्चों और पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे बच्चा रहता है, रुकता है, खाता है, पीता है, खेलता भी है साथ साथ, और पूरे दिन भर पढ़ाई में व्यवस्थित रहता है।
सुबह 4:30 बजे से उठने से लेके रात को 10 बजे तक सोने तक पूरी तरह से उसके समय का पूर्ण रूप से एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करवाई जाती है। हर समय उसके बीच जो आचार्य हैं हमारे गुरुकुल के वो अवेलेबल रहते हैं। और जो बच्चा हमारे हॉस्टल सिस्टम में नहीं रह पाता, ये तो उनके लिए जो हॉस्टल में रहते हैं जो आसपास बीकानेर के जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनके लिए। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आके बीकानेर से ही आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हॉस्टल में वो रहे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस करे, तो उनके लिए इस तरह से व्यवस्था रहती है कि अगर वो सुबह 7:30 बजे संस्थान में आते हैं तो 11:30-12 बजे के बाद वो अपने वापस घर जा सकते हैं, लंच करके वापस थोड़ा सा सो के 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास पुनः संस्थान में वापस आ जाते हैं। जो इवनिंग कैंप होता है उसमें वो सम्मिलित रूप से सभी बच्चों के साथ स्टडी करते हैं, जहाँ पे उसके लिए टीचर्स अवेलेबल रहते हैं शाम को 7 से 8 बजे तक। इस तरह से 3 से 8 बजे तक 5 घंटे की इंटेंस स्टडी जब उसे टीचर्स के सानिध्य में मिलती है, जब अगर जिस दिन वो उसने सीखा है और उसे कोई डाउट अगर आया है वो उसी दिन वो क्लियर हो जाए, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली है कि बच्चा आखिर कमज़ोर कौन होता है। क्या हम जेनेटिकली माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो ये निर्धारित हो जाता है कि इस बच्चे का IQ ज़्यादा है, इस बच्चे का कम है? ऐसा नहीं है। कमज़ोर और होशियार के बीच एक बस अंतर होता है, वो है परसेप्शन डिसऑर्डर। परसेप्शन डिसऑर्डर आखिर है क्या? परसेप्शन डिसऑर्डर है अपने आप से देखने का नज़रिया। मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं उसे किस तरह से देख रहा हूँ, क्या वास्तव में उसकी जो प्रकृति है उसी तरह से देख रहा हूँ या कोई दूसरा तरीका है, दूसरे नज़रिए से उसको देख रहा हूँ, इसी को परसेप्शन डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो चीज़ जैसी है और वैसी ही देख रहा है तो उसका परसेप्शन डिसऑर्डर बहुत सही है, और जो चीज़ वैसी है उसको वैसे नहीं देख पा रहा कोई बच्चा तो उसका परसेप्शन डिसऑर्डर मिसमैच्ड है, गड़बड़ है। तो इस परसेप्शन डिसऑर्डर की वजह से कोई बच्चा, उसका IQ अच्छा भी अगर है तो शिक्षक ने जो पढ़ाया, टीचर ने जो पढ़ाया उसको वो परसीव करेगा, देखेगा, सुनेगा, सोचेगा, लेकिन उसे अपने हिसाब से ले लेगा। और हो सकता है कि टीचर ने जैसा पढ़ाया है उसका उस तरह से इंसाइट ही डेवलप ना हुआ उस समय जब शिक्षक उसको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इस परसेप्शन डिसऑर्डर की समस्या से कैसे निजात पाई जाए? बच्चे का IQ लो है ये वाकई में समस्या नहीं है, बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है ये समस्या नहीं है, समस्या है परसेप्शन डिसऑर्डर को दूर करना, चीज़ों को वैसे ही समझाना, चीज़ों की वैसे ही इंसाइट डेवलप करना जैसे चीज़ें वास्तविकता में है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पास में बैठ के जो आचार्य है, जो गुरु है, शिक्षक है, उसे अपने बच्चे को, विद्यार्थी को अपने पास में बैठाना होगा और उसके साथ संवाद करे, वाद विवाद करे, बातचीत करे, ज्ञान पे चर्चा करे। इसी प्रकार से वो जो परसेप्शन डिसऑर्डर क्रिएट हो चुका है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। और ये व्यवस्था होती है गुरुकुल व्यवस्था, जो हमारे साधु संन्यासी ज्ञानी विद्वानों ने आज से हजारों सालों पहले व्यवस्थित रूप से बना रखी थी। उनको पता था कि भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम बहुत आने वाला है, डिस्ट्रैक्शन का, सोशल मीडिया और इंटरनेट का और आसपास के सोसाइटी में चलने वाले इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग का, कि बच्चे को गुरुकुल व्यवस्था चाहिए ही होगी। तो परसेप्शन डिसऑर्डर को समाप्त करने के लिए बच्चा जब हमारे रामानुजन गुरुकुल में पढ़ने के अलावा, जैसे क्लासेस हमारी सुबह 7:30 से 12 बजे तक सारी समाप्त हो जाती है 11th और 12th की, उसके बाद में हम बच्चे को पुनः, जो बच्चा हमारे हॉस्टल का पार्ट नहीं है, पुनः हम 3 बजे इवनिंग कैंप में दोबारा बुलाते हैं 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक। लगभग 4.5 घंटे बच्चा हमारे संस्थान में, हमारे गुरुकुल में, वहीं पे ही हम आचार्यों के बीच, हम शिक्षकों के बीच अपनी शैक्षणिक कार्य का निर्वाधन करता है। और ये
जो इवनिंग कैंप का प्रोग्राम है इसमें बच्चा टीचर के साथ एक इनफॉर्मल टॉक करता है, इनफॉर्मली जुड़ता है और उससे अपने परसेप्शन डिसऑर्डर को डाइल्यूट करता है। एक बच्चे के दिमाग में आज एक डाउट आया है, कल एक डाउट आया है, परसों एक डाउट आया है, 3 महीने तक अगर मान लो क्लास में बाकी बच्चे क्या बोलेंगे उसको, कमज़ोर बोलेंगे, तेरे को कुछ आता नहीं है, उस बात को सोच के अगर पूछे नहीं तो 3 महीने के बाद में उन कन्फ्यूजन्स का एक पूरा पहाड़ बन चुका तो उसके दिमाग में, और बाद में वो अपने आप को परसीव ही ऐसे करने लगता है कि अपन तो है ही कमज़ोर, अपन तो होशियार है ही नहीं, अपन को तो कुछ आता ही नहीं है। तो उस चीज़ का निर्वाहन रोज़ाना अगर डाइल्यूशन हो जाए, रोज़ाना अगर डाउट क्लियर हो जाए, आज सुबह की क्लासों में जो डाउट आए शाम को इवनिंग कैंप में गुरुजी के साथ संवाद करते हुए बातचीत करते हुए अगर क्लियर हो जाए तो बच्चे में डाउट्स का एक जो पहाड़ है वो क्रिएट नहीं होएगा, तो जो कमज़ोर बच्चा है वो भी होशियार बन जाएगा। दोस्तों ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आज से 3 महीने पहले मैंने इस व्यवस्था का जो रिसर्च है वो शुरू किया था। 3 महीने पहले मेरा बच्चा था मेरे से पढ़ने वाला और कमज़ोर है था, मतलब पढ़ाई में होशियार नहीं था, नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, और मैंने उसको इवनिंग कैंप में बुलाना शुरू किया। आज टेस्ट हुआ है उसके, 93% टेस्ट में उसने स्कोर किया है, जबकि पहले वो 60-70% से कभी ऊपर आज तक नहीं बढ़ा, पिछले एक साल से मेरे पास है, अभी 12th क्लास में आया है। तो उसने 93% स्कोर पहली बार किया इवनिंग कैंप में आने के बाद में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इवनिंग कैंप के एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं, जो विशेष तौर पे कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, समस्या होती है, उन बच्चों के लिए इवनिंग कैंप किसी साक्षात वरदान से कम नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रामानुजन गुरुकुल व्यवस्था आखिर कैसी है, किस तरह से बच्चों पे विशेष ध्यान देके उनको तैयार किया जाता है, मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको पूरी तरह से एक क्लैरिटी डेवलप नहीं हो, आपके भी कुछ मन में प्रश्न रहे होंगे, डाउट रहे होंगे, तो आप रामानुजन में एक बार विजिट ज़रूर करें, एक बार आकर देखें कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप अपने खुद से अगर इस पूरी व्यवस्था को जीवंत होते देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आधुनिक समय का सबसे ज़्यादा नेसेसरी काम है गुरुकुल व्यवस्था, क्योंकि इतने ज़्यादा साधन मौजूद हैं डिस्ट्रैक्शन के, तो उसमें एक संसाधन है रामानुजन गुरुकुल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी उपयोगी लगा होगा, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।